हेलो भाभी जी, आपने डॉक्टर जी देखी है क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखी। कहाँ है वो फिल्म? नहीं देखी? नहीं डॉक्टर जी, हम बताते हैं भाई। कहानी तो है एक डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब जो कि गायनो लेना चाहते थे, ऑर्थो यानी हड्डियों का डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर बन गए वो, समझ ही गए होंगे। तो डॉक्टर साहब की कहानी शुरू होती है उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से। एक साल बैक आने के बाद उनका एक बार एग्ज़ाम क्लियर तो हुआ, पर मिली गायनो। गायनो मिलने के बाद जनाब को गायनो नहीं लेनी थी, वो जाते हैं अपनी दोस्त के पास, और इसी बीच में उनका होता है टाका कटा यानी कि ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद क्या होना था जनाब के साथ, टेंशन और गायनो दोनों मिल गई। ब्रेकअप के बाद बंदी ने बोला, तुम्हें तो लड़कियों की आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। कहानी में ट्विस्ट आता है, बंदे को गायनो मिल जाती है। पूरी क्लास में सारी की सारी लड़कियां उस पर ऐसे रौब दिखाती, पर मजाल है बंदे ने गायनो छोड़ी हो, क्योंकि उसके बड़े भैया ने बोला था, बेटा मेरे को ऑर्थो मिल गई है। मगर गायनो भी कोई बुरी बात नहीं, एक साल के लिए अपनी सीट बचा ले और ऑर्थो मिलने के बाद रख जाइयो। मगर बंदे को चुल मची थी, वो अपनी माँ से शिकायत करने गया, माँ मुझे गायनो नहीं लेनी। उसके घर में जो रेंट पे रहता था वो बंदा सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मजाल है उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ हो। बंदे की संगति खराब थी। उसकी माँ ने बोला, कोई बात नहीं, कम से कम टट्टी पिसाब वाला तो डॉक्टर नहीं बनाना तू। बंदे को क्या था, लेनी पड़ गई, गया डॉक्टर बनने। लड़कियों के बीच में झिली थोड़े टाइम के लिए, फिर इसको मिली हमारी प्यारी सी हीरोइन यानी कि फातिमा। एक सुंदर अप्सरा उसकी ज़िंदगी में आई, उसकी ज़िंदगी में कर दी टन टन घंटी बजाई, और उसने भूल दिया अपनी एक्स को, बाय बाय। बंदी मिलने के बाद उसने सोचा, यही तो पटेगी, मगर बोर्ड में कभी उसकी इज्जत ना आती। फातिमा ने नाम रखा उसका मिस्टर डॉक्टर निप्पल, क्योंकि इनका कोई यूज़ ही नहीं है। बंदे को बहुत बुरा लगा, बहुत सैड हुआ, पर थोड़ा थोड़ा टाइम बिताने के बाद फातिमा से उसका कनेक्शन जो जुड़ा था। पर स्टोरी में आया ट्विस्ट कि फातिमा का तो बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड होने वाला था, यानी उसकी एक मुस्लिम लड़के से शादी होने वाली थी। फियांसी के साथ घूमा करती थी, पर बात हमारे डॉक्टर जी से भी तो थोड़ी थोड़ी करती थी। डॉक्टर जी ने करी मेहनत, मगर कोई ना डॉक्टर ना समझता। अगर वो किसी औरत को टच करते, भाई साहब मेल टच है, आप अकेली औरत को रूम में कैसे ले गए, ऐसे सवाल उस पर उठते थे। अब क्या करे बेचारा, बोझ का मारा, धीरे धीरे इम्प्रूव किया खुद को और बन गया वो शाबाश डॉक्टर। मगर पर इस कहानी में ना उसके बड़े भैया का भी एक मेन रोल है। जवान बच्चों के बाप होने के बाद भी गर्लफ्रेंड 17-16 साल की ही पटाएंगे, और बताओ जब उन्होंने कर दिया एक कांड तो अपने भाई को ही याद करेंगे, भाई तू तो भाई है ना। उसने कर दिया अपनी 17-16 साल की लड़की को प्रेग्नेंट, चले गए। अब बताते हैं हम बात। तो जी, तो डॉक्टर जी होते हैं ना हमारे आयुष्मान खुराना, जो डॉक्टर जी बने नहीं होते, उनको तो चस्का होता है पहली बात तो बोर्ड पे नाम लाने का, दूसरी बात उनको फातिमा पसंद होती है, तीसरी बात उनके भाई ने जो उन पर बम फोड़ा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, उसके चक्कर में बड़ी टेंशन होती है, चौथी बात कि उन्हें ऑर्थो लेने का अभी तक चस्का होता है, मगर उनके ऊपर एक केस भी चलने वाला होता है क्योंकि उन्होंने एक लड़की को कमरे में अंदर ले जाके बिना फीमेल डॉक्टर के चेक जो किया था, जिसके बाद उनको बहुत पिटाई हुई थी। इन सारी कश्मकश में एक और बम फूट जाता है, जब अपने भाई की गर्लफ्रेंड को वो कुछ दिनों के लिए घर पे लेके जाते हैं ताकि वो उसका ध्यान रख सके, तो इसी बीच में उनके ऊपर वाला जो लड़का होता है जो रेंट पे रहता है, सिविल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, वो फेल हो जाता है। हाँ, फेल हो जाता है, जिसके वजह से घर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। उन टूटी हुई उम्मीदों के साथ वो घर जाने लगता है। जिस दिन वो जा रहा होता है, उसकी मम्मी बुला लेती है अपने टिंडर के फ्रेंड को, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो मम्मी अपने ऊपर वाले किरायेदार से मिलवाना चाहती थी, और उनका बेटा तो उसे देख के खुश ही नहीं होता। तभी डॉक्टर जी की एंट्री होती है, वो देख लेते हैं मम्मी को किसी टिंडर वाले यानी कि एक अंकल के साथ डांस करते हुए, गंदी सोच। बातें बातों में उसकी बहस होती है, वो लड़की को यानी कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड को लेके चला जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो उनके दोस्त को घर से बाहर निकाल देता, बहुत बेइज्जती करता है, और वो जो सिविल एग्ज़ाम वाला यानी कि ऊपर जो रहने वाला रेंट पर लड़का होता है वो भी चला जाता है। अब डॉक्टर जी उस लड़की को लेके घूम रहे होते हैं, तभी डॉक्टर जी के भैया का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि भाई साहब आप इन्हें यहाँ पर लेके आ जाइए, मैं करवा लूँगा। वो उन्हें किसी अस्पताल में छोड़ते हैं और वो लड़की वहाँ पे लेट जाती है, वहाँ से वो लड़का चला जाता है। उससे दो भी फातिमा ने अपनी सगाई इनविटेशन कार्ड भी दिया था। अब सबको तो पता था कि उनके बीच में चुप्पी तो हुई है, तो चुप्पी का कारण वो कैसे सुलझाएं। तो फातिमा ने अपनी सगाई का कार्ड दिया और ये कहा डॉक्टर जी को कि हम अच्छे दोस्त हैं, तुम खुश रहोगे, और उसे एक बुक गिफ्ट कर दी। अब डॉक्टर जी ने तो कभी एक बुक पढ़ी ही नहीं। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, डॉक्टर जी का एक अच्छा एक्सपीरियंस बन गया था, उन्होंने बाकायदा कॉरिडोर में डिलीवरी कर दी थी।
तो और डॉक्टर को भी लगता था कि वो तो डॉक्टर जी हो गए हैं, बोर्ड पे नाम आ गया था, मगर इस खबर पे उनके ऊपर केस चलने वाला था जिसके चक्कर में डॉक्टर की पोस्ट से निकाल दिया गया। तो उसी के बाद उनके भैया का दोबारा कॉल आता है, ना इस बार भैया का नहीं आया, भैया की गर्लफ्रेंड का आया। वो बोलती है मुझे एक इंजेक्शन दिया और मेरे पेट में दर्द शुरू होने लगा, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे लेने आ जाओ। जिसके बाद उस लड़की को लेके भागने लगता है, अपनी माँ से वो बात करता है तो माँ बोलती है कि तेरे पापा ने मुझे जवानी में छोड़ा और तेरे चक्कर मैंने इतने सेक्रीफाइस किए। वो उसे अपना पॉइंट समझाती है कि अपनी पूरी जवानी मैंने अकेले बिताई, अब तेरे पास वक्त नहीं, अगर मैं थोड़ी बहुत खुशी ढूंढती भी हूँ तो तेरे को क्या परेशानी, क्यों जलते हो तुम। पर बात क्या थी, वो समझ गया, उसने माँ को माफ़ी मांगी और वहाँ से माँ को लेकर उस लड़की के पास गया। उस लड़की को लेकर वो हॉस्पिटल गया। नंदिनी मैडम इस बात को देख के दुखी हो गई, फातिमा आई नहीं थी, मगर उसके साथ वाली दोस्त से उन्होंने पूछा कि अब क्या करें। कुछ भी करके उस लड़की को बचा लिया गया। और उस दिन उसे समझ में आता है कि मेल टच को खोने का वक्त क्या होता है। जब उस लड़की की माँ यानी कि अपने भैया की गर्लफ्रेंड की माँ आती है, जब उस बच्ची को देखते हैं सब शांत में रहते हैं और वो उसके बाद फातिमा की सगाई में जाता है, क्योंकि वो बुक पढ़ लेता है जब फातिमा ने लिखा होता है कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं, तो मुझे लगता है कि तुम गायनों को कभी छोड़ना मत क्योंकि तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। जिसके वजह से समझ में आता है कि फातिमा उसके लिए कुछ ऐसा फील ही नहीं करती थी, तो अपने ख्याली पुलाव को उसने बंद किया और एक अच्छे फ्रेंड की तरह फातिमा की सगाई में चला गया, जहाँ पे उसके हस्बैंड के सामने वो सिर्फ गुलू गुलू बातें कर रहा था, मैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कहानी तो ख़त्म हो गई है, क्या आपको भी ऐसे कोई डॉक्टर जी मिले हैं जो कमरे के अंदर ले जाए और फीमेल डॉक्टर को ना रखे, कोई आ रहा है। अगर आप भी चाहते हो शर्मीली भाभी जी को दोबारा से सुनना और उनकी कहानियों के एक्सप्लेनेशन को सुनना, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, क्योंकि अगर वीडियो शेयर होगी तभी व्यूज बढ़ेंगे, अगर व्यूज बढ़ेंगे तो भाभी जी जल्दी से आएंगी। तो जल्दी से शेयर करो और मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो में।